द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैबिनेट में आज बहुत सारी जो है वो प्रस्ताव रखे गए, क्या कुछ है? विशेष रूप से डिजिटल मीडिया को आज के दिन में रेगुलेट किया गया। अब इस पे काम करने वाले युवाओं को, चाहे कहीं भी रहें देश विदेश में, वो आज के दिन में उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेहतर परिणाम देने के लिए उनको रोजगार नीति से जोड़ा गया है। और वो उनको भी विज्ञापन से लाया जाए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया भी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक को भी लाया गया, उनको भी अब रोजगार से जोड़ा गया, उन्हें भी पैसा दिया जाए। एक सवाल यह था, आपने 2 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था लेकिन भाजपा 10 सीटों पर तैयारी कर रही है, क्या सीट नहीं देना चाहती है आप? NDA है, NDA 10 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, हम लोग मिलेंगे और NDA के प्रत्याशियों का अब तीनों मिलकर लड़ेंगे। हम लोग चारों जो पार्टियां इंडिया के घटक दल हैं और बेहतर परिणाम लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पहले से परंपरा रही है कि जबकि जो सीट जो रहता है उसको लड़ती है, और मीडिया के लोग हैं झगड़ा लगा रहे हैं आपस में, आधिकारिक बयान कोई ऐसा आता है तो उस पर देखा जाएगा। चलिए, शुक्रिया। आपने संजय निषाद जी को सुना, कहा कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर मीडिया NDA में झगड़ा लगाने का काम कर रहा है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।